नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी में रात 8 बजे करीबन कार सवार तीनों दोस्तों पर बुलेट बाइक सवार दो युवकों ने जानलेवा हमला करते हुए फायर किया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पलपल भिवानी श्यामन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि देर शाम भीम स्टेडियम में आशीष, मनीष और गगन नामक युवक व्यायाम करने आए थे। व्यायाम के बाद वे दोनों अपनी वरना गाड़ी पर बैठकर निकलने ही लगे थे। स्टेडियम से निकलते ही गाड़ी पर और उसके पास बाइक सवार, बाइक बुलेट बताई जा रही है, जिस पर दो युवक सवार थे और उनके साथ एक और युवक भी था। उन लोगों ने इन पर हमला कर दिया। कार सवार मनीष और आशीष दोनों भाई हैं, जिनका आरोप है कि बुलेट पर चिराग और वशिष्ठ तथा उनके साथ एक और युवक था, जिन्होंने हम पर जानलेवा हमला किया और गोली चलाई। वही सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी विद्यानंद, CIA पुलिस व सेक्टर 13 चौकी के पुलिस मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सिविल लाइन थाना SHO इंस्पेक्टर विद्यानंद ने बताया कि कार सवार युवकों को बुलेट बाइक सवार दो युवकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। स्टेडियम से घर जा रहा था, टाइम था लगभग 7:35-7:40 का। स्टेडियम से निकले जब हम, साइड में बुलेट बाइक पे दो लड़के थे, उन्हें बाइक साइड में चलाते चलाते फायर किया। किस जगह पे फायर किया? मतलब इसी रोड पे, कुंडा पार्क और यूथ हॉस्टल के सामने। यूथ हॉस्टल तो क्या रंजिश से पुराने जानते हो किसी को? 10-11 महीने पहले गाड़ी ग्लोच हुई थी, उसके बाद आज ही उन्होंने वो किया था। तो क्या है, कौन है वो लोग? वो चिराग वशिष्ठ है कोई, और उसके साथ एक और लड़का था, वो देखा नहीं। जान से मारने की। तो कितने फायर किए दोनों? एक ही फायर किया था। हाँ, सूचना के आधार पर हम मौका पर पहुँचे हैं और हम यहाँ पे इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो तीन लड़के थे वरना गाड़ी में, उन्होंने आरोप लगाए हमारे पे, दो लड़कों ने फायरिंग की है, जबकि मौके पर हम इसकी जांच कर रहे हैं। मौके पर किसी प्रकार का सर फायर का कोई निशान या नहीं? अभी वैसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद ही जैसा सामने आएगा उस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। गोली चली है, क्या नाम है सर इसका? ये तीन लड़के थे, तीनों लड़के गाड़ी में बैठे थे। तीसरा लड़का जो गगन है वो पीछे बैठा था, उसने बताया है। बाकी तीन लड़के थे ये, पहले एक साल पहले बता रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई बया सुनी हुई है, उसी के बाद ये बता रहे थे सर। ये स्टेडियम में आए हुए थे और ये रोड पे ये वरना गाड़ी में थे। उन्होंने बताया भाई वो मोटरसाइकिल पे साथ के निकले हैं, वो ये उनको जानते हैं और इन्होंने अभी वेरीफाई किया। हाँ, उन लड़कों को बाई नेम जानते हैं। तो सर अभी आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है गाड़ी वगैरह? अभी मौके पे हैं और जांच कर रहे हैं कि क्या तथ्य सामने आते हैं, कितनी सच्चाई है, क्या कुछ बात है। तो मैं स्टेडियम से प्रैक्टिस करके मेरे भाई आशीष और मेरे दोस्त गगन के साथ घर के लिए निकला, तो हम यूथ हॉस्टल तक आए तो हमारे पास वरना कार थी। वरना कार की साइड में एक बुलेट बाइक आई, जिस पर दो युवक सवार थे, उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायर किया और गोली गाड़ी के ऊपर से निकल गई और मेरे दोस्त गगन के उसकी चिंगारी आँख में लगी है। तो क्या मामला था, क्यों ये? जी 10 महीने पहले गाली गलौज हुआ था थोड़ा मोटा, तो 10 महीने बाद आज सीधा गोली चला के जान से मारने के लिए आए थे और गोली चला के चले गए। कौन थे, कुछ पहचान है? जी दो भी कला के हैं, दोनों। एक जो जिसने गोली चलाई वो चिराग वशिष्ठ नाम है उसका। जी ऐसी थोड़ी मोटी गाली गलौज थी, आपस में गाली गलौज हुई थी और उन्होंने आज 10 महीने बाद सीधा गोली चला के जान से मारने की कोशिश करके। इसकी सूचना हमने 100 नंबर पे दी है, 100 नंबर के बाद यहाँ पे PCR आई है, ये वो अब तहकीकात हो रही है। हेलो भाई, दूर से बोलो।
Thank you.